हाय गाइस, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आज आप लोगों को मोटो जी 40 फ्यूजन में पबजी का गेम प्ले दिखाऊंगा करके कि कैसा इसमें चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें पबजी गेम प्ले करो। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड बाकी सारे ये जो गेम्स देख रहे हो, एसपॉल 9, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, इनका भी एक अलग वीडियो आएगा जिसमें इनका भी टेस्ट करूँगा कैसा चल रहा है ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, 120 Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे ऑन है, ठीक है। और बैटरी के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 28% यहाँ पे चार्ज है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पबजी। ओके एंड हाँ गाइस, मेरा पबजी का गेम प्ले देख के बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि मैं पहले फ्री फायर खेलता था, पबजी नहीं खेलता था। फ्री फायर भी बहुत पहले खेलता था, तो उतना ज़्यादा मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि यह फ़ोन लेना चाहिए गेमिंग के लिए या नहीं लेना चाहिए। तो गैस, मेरा जो ये फ़ोन है 6GB 128GB RAM वाला फ़ोन है, एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए बजट में एक बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। तो इसका जो प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग फ़ोन मतलब एक नंबर है, कहीं भी मुझे कोई इशू नहीं देखने को मिला। बाकी हम लोग देखते हैं इसका गेम प्ले करके, उसके बाद ही सारा कुछ पता चलेगा। कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल में पहली बार आया हो तो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मैं हमेशा मोटिवेट रहूं एंड आप लोगों के लिए वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहूं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा पबजी ओपन हो रहा है। गाइस, इसका जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो पबजी खेलने में मतलब और भी मज़ा आता है, मतलब एक नंबर भाई। तो अभी भी हम लोग बैटरी देखते हैं, 28 ही है बैटरी हम लोग का, ठीक है। एंड ब्राइटनेस भी यहाँ पे फुल मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस भी हम लोग का फुल हो चुका है। एंड अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गेम प्ले करके। ओके, तो टाइम भी यहाँ पे देख सकते हो, मैं फोकस करता हूँ, टाइम भी देख सकते हो 11:45 हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम गेम, साउंड भी फुल कर देता हूँ। तो एक आइडिया मिलेगा इसमें बैटरी कैसा कंज्यूम हो रहा है, एंड फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस कितना देर आप गेम खेल सकते हो, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मेरा गेम प्ले मत देखना, परफॉर्मेंस देखना यहाँ पे कैसा चल रहा है गेम। ओके, टीम मैच, लेट्स गो। डिस्प्ले एक नंबर है, इसीलिए मेरे को मतलब गेमिंग में बहुत मजा आएगा। फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। ले
victory. टीममेट ठीक खराब था। तो अभी 7 मिनट ही हुआ है, अभी एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस में फ्रेम ड्रॉप्स कहीं भी देखने को मिलते हैं, कुछ भी एकदम वो सब का इशू कोई है ही नहीं, मतलब एकदम लोचा बिल्कुल नहीं है वो सब का। बस थोड़ा एमिंग इशू है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो एमिंग इशू क्या है। जो प्रो प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत हो सकता है शायद, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब बोल रहे हैं, एंड मोटोरोला कंपनी को ट्वीट भी किया है काफ़ी सारे यूजर्स ने, एंड वो लोग बोले कि नेक्स्ट अपडेट के साथ इसको ठीक कर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये सब में कोई इशू नहीं है, एनी इशू नहीं दिख सकता है। यहाँ पर एन करने कर रहा हूँ लाइट, ये लाइट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। टीम मैच लेट्स गो। द ब्लू टीम हैज स्कोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकर के कहीं भी कोई इशू नहीं है यार, मतलब मैं उतना अच्छे से गेम नहीं कर सक रहा हूँ इसीलिए। बाकी एक नंबर फोन है काफ़ी सारे, बाकी गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ठीक है, गेमिंग में बस थोड़ा सा दिक्कत है ये वाला इशू, लाइक मैं तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा वॉल्यूम घटा लेता हूँ यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ लाइक मैं कहाँ पे एम करूँ, अरे यार लाइक मैं एम करके दिखाता हूँ, लाइक ये वाला रेड जो है यहाँ पे, ये वाला पे ठीक है ना, तो ये वाला इशू है, ये वाला मूविंग इशू यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ठीक है ना, यही एक इशू है थोड़ा सा कहीं पे आपको लगेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके वो चीज़, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक यहाँ पे सही से काम कर रहे हैं देख सकते हो, एंड बट यहाँ पे ये वाला देख सकते हो मूव बिल्कुल नहीं हो रहा है, टच का इशू नहीं है वो, वैसे ही कुछ ग्लिच टाइप से होगा वो लोग का, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बाकी टच का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सारा कुछ टेस्ट किया है मैंने स्क्रीन के ऊपर, वो सब बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये वाला इशू है थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है देख सकते हो, तो इसीलिए एमिंग में इशू आ रहा है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। बाकी फ़ोन जो प्रोसेसर है बहुत सही है, रिफ्रेश रेट बहुत सही है, एक नंबर काम करता है यार, मतलब बहुत सही काम करता है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 26% मेरा चार्ज है, एंड 45 पे हम लोग स्टार्ट किए थे, एंड यहाँ पे टाइम भी आप लोग देख सकते हो अभी इतना टाइम हो रहा है, एंड बैटरी भी देख सकते हो आप लोग के सामने रिजल्ट है, एंड हीट भी उतना नहीं हुआ है, मैंने इससे पहले भी गेम खेला इसीलिए मेरा थोड़ा हीटिंग लग रहा है, बाकी हीट उतना नहीं है ठीक है ना। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, इसमें जो स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी सही लगा। एंड गाइस इसमें जो 6000 mAh का बैटरी है वो भी बैकअप बहुत सही से देता है, तो अगर आप लोग इस प्राइस रेंज में एक सही फ़ोन चाहते हो
तो इस फोन की तरफ जा सकते हो। गेमिंग में भी कहीं कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एम करते टाइम थोड़ा सा आपको फील होगा वो चीज़, बाकी वो भी ठीक करेंगे बोला है कंपनी ने। तो वो अगर ठीक हो जाता है तो मतलब बीस्ट मानेंगे हम इसको, मतलब यार बहुत सही चलता है, फ्रेम रेट वो सब कहीं नहीं, लैग कहीं नहीं, मतलब आप लोग खुद देख सकते हो कहीं कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना सही से, मतलब इतना सही से मतलब काम कर रहा है कि क्या ही बोले भाई। तो आप तो बजट अगर आपका 16 के आसपास है तो इस फ़ोन की तरफ आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, एक नंबर फ़ोन है। बाकी नीचे कमेंट करना अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, या फिर इंस्टा में डीएम कर सकते हो आपको कोई भी पूछना हो क्वेश्चन तो। एंड अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो भी मतलब आप लोग नीचे कमेंट करो या फिर डीएम कर सकते हो, कुछ भी करो, एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड ये सारे जो गेम देख रहे हो इसका भी टेस्ट लाऊंगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो सब भी आप लोग देख पाओ, एसपोर 9 जो बड़े बड़े गेम्स हैं ना उसका भी टेस्ट होगा इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।